कम खर्चे में बनी हुई ये चेकरबोर्ड मिठाई बिस्किट से बनी है, जिसे मैंने विदाउट गैस का यूज किए हुए बनाया है। और ये मिठाई बाजार की मिठाइयों से कहीं ज्यादा देखने में अच्छी और खाने में टेस्टी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चेकरबोर्ड मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट बिस्किट, और यहाँ पर मैंने लिया है वेनिला बिस्किट। दो फ्लेवर की बिस्किट ली है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं यहाँ पर। और चलिए अब हम दोनों को सेपरेटली ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले वनीला बिस्किट को ग्राइंड करते हैं। तो इसके लिए हम इसे तोड़ कर डालते हैं जार में, और यहाँ पर मैंने 20 पीस बिस्किट ली है, और अब इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये ग्राइंड किए हुए पाउडर को हम डालते हैं बोल में। तो चलिए अब हम चॉकलेट बिस्किट को भी ग्राइंड कर लेते हैं, और ये क्रीमी है, इसके अंदर चॉकलेट क्रीम है, तो मैं क्रीम को नहीं निकाल रही हूँ, क्रीम सही थी, हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो रफली तोड़ते हैं इसे, और अब हम डालेंगे जार में। यहाँ पे मैंने चॉकलेटी फ्लेवर लिया है बिस्किट, आप यहाँ पे वनीला फ्लेवर या कोई भी फ्लेवर अपने मनपसंद का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने हाफ बिस्किट ही जार में डाला है, और इसे अब हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेते हैं। ये मैंने सभी चॉकलेट कुकीज़ को ग्राइंड कर लिया है, और टोटल मैंने दो बड़े पैक लिए थे बिस्किट के। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं घी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग एक चम्मच, और थोड़ा सा दूध डालते हैं, लगभग एक चम्मच। और अब इसमें हम थोड़े से काजू डाल देते हैं, थोड़े से बादाम डाल देंगे, थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं, और इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल रहे हैं, जस्ट टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके हम इसका डो बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं मिक्सचर अभी थोड़ा सा क्रम्बली है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, लगभग एक चम्मच। तो हमें इसे बिल्कुल आटे जैसा ही नीट करना है। तो ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं, और इसमें और एक्स्ट्रा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब इसे हम रोल करते हैं। तो मैंने डो को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और अब हम लेते हैं एक पोर्शन, और इसे हम बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल करके हमें इसे लॉग का शेप देना है। इस तरीके से लॉग बनाने के बाद इसे हम रखते हैं फॉइल पेपर पे। फॉइल पेपर की हेल्प से हम इसे इस तरीके से इवन कर लेते हैं। तो मैंने दोनों चॉकलेट डो को रोल कर लिया है फॉइल पेपर के अंदर, और चलिए अब इसे हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट सेट होने रख देते हैं। तो चलिए अब हम वनीला डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप सूखे नारियल का बुरादा लिया है, साथ ही इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी डाल देते हैं, लगभग 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर जो मैंने वनीला बिस्किट का पाउडर बनाया था वो डाल देते हैं, थोड़े से टूटी फ्रूटी डालेंगे, घी डालते हैं हम लगभग 1.5 टेबल स्पून, और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम थोड़े से इलायची पाउडर डालते हैं, और अब इसमें हम डालेंगे दूध लगभग 2 टेबल स्पून, और दूध डालकर हम इसका डो बना लेते हैं। तो मिक्सचर में चीनी थोड़ी सी कम है, तो मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, जिससे अच्छी बाइंडिंग भी आ जाएगी और मिठास भी आ जाएगा। तो लगभग 1 टेबल स्पून, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा वनीला मिक्सचर भी रेडी हो गया है, और इसे भी हम दो पोर्शन में डिवाइड करके चलिए रोल कर लेते हैं। तो डो का हम हाफ पोर्शन लेते हैं, और इसे हम बिल्कुल अच्छे से रोल करके लॉग बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने लॉग बनाया है, और अब इसे हमें शेप देना है। तो हम इसे रखते हैं फॉइल पेपर पे, और इसे हम अच्छे से रोल कर लेते हैं, और ऐसे ही हम दूसरा लॉग भी बनाकर रेडी करते हैं। तो ये दोनों लॉग रेडी कर लिया, और इसे भी अब हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। तो 15 मिनट हो गया है, और दोनों ही चॉकलेट लॉग बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए इसे हम दूसरे फॉइल पेपर पे निकाल लेते हैं। तो हम एक लॉग रखते हैं बीच में, और ये वनीला वाला भी सेट हो गया है, और इसे भी हम बिल्कुल केयरफुली इसके साथ स्टिक करते हैं। और अब मैंने ये दूसरा कोकोनट वाले लेयर जो है हम इसके ऊपर रखते हैं,
और ये जो ब्लैक वाला चॉकलेट वाला है इसे हम इसके ऊपर रखते हैं, अच्छे से हम स्टिक कर लेते हैं। अगर लॉग छोटा बड़ा है तो वो हम बाद में ट्रिम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा फ्रिज में सेट भी नहीं करना है, नहीं तो आपस में स्टिक नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से स्टिक कर लिया है ताकि कटिंग के समय ये टूटे नहीं। और चलिए इसे हम फिर से फॉइल रैप करते हैं, बिल्कुल टाइटली हमें फॉइल रैप करना है, एक शेप देना है इस तरीके से ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब इसे भी हम 4 से 5 घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। तो 4 घंटे हो गए हैं और चॉकोबोर्ड बर्फी बिल्कुल रेडी है। और साइड में थोड़ा अनइवन है, छोटा बड़ा हो गया है, तो मैं बिल्कुल इसे इक्वली कट कर दे रही हूँ और इस साइड से भी कट करके इवन कर लेते हैं। और ऊपर की तरफ से हम लगाते हैं वर्क। और चलिए अब इसे हम कट करते हैं। बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है और काफ़ी अच्छी लग रही है। आप देख रहे हैं जो चेकर बोर्ड है बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।